तो अभी इन लोग ने पूरा पानी पी के खत्म कर लिया और बॉटल भरने में को भेज रहे हैं मैडम को। मैं जहाँ तो मैडम को साथ साथ लेके चलता हूँ। मैडम है इतनी क्यूट। मेरा एक सर्वेंट चाहिए ना साथ में मेरे को। नहीं वो क्या बोलते हैं जिम्मेदारी जिम्मेदारी मैं हूँ ऐसी जिम्मेदारी मैं लेता ही नहीं। कल से या परसों से कब से तेरे पीछे कल से जिम्मेदारी तीन दिन से परेशान कर दिए पता नहीं कौन भिखारी है पीछे ही पड़ गया एकदम। भिखारी नहीं जिम्मेदारी हूँ। चल पानी भर भर ले और पी भी ले। काबर है मेरा जा छोड़ ले मैं भरता हूँ। शुक्रिया और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना ठंडा पानी भरूं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं पानी भर रहा हूँ। ये पानी नल से निकल के बोतल में जा रहा है और बोतल भर चुकी है गाइस। गाइस अब हम थोड़ा सा पी भी लेते हैं। थोड़ा सा पी लो आतिफा। गाइस अभी आतिफा पानी पी के दिखाएगी। ओ आतिफा कितना क्यूट पानी पीते हो आप। बहुत ठंडा पानी है क्यूट पानी पीते ओ आतिफा का पानी क्यूट है। हमने आतिफा का रिएक्शन ले लिया पानी पीते हुए हुए। ला फिर से भर देता हूँ आतिफा। कितना पानी खाली करी वो तो देख। और बस और नहीं पीने का है। गाइस मैं फिर से पानी भर रहा हूँ। यही होता है ज्यादा गाइस गाइस फिर से अभी पानी पी लेता हूँ। अरे पहले पी लिया होता है बेवकूफ। ये देखो हमने देख लिया इनको पानी पीते हुए। गाइस मैं फिर से पानी भर रहा हूँ। इतना गंदा ब्लॉगर मैंने आज तक नहीं देखी। गाइस हम पानी भर चुके हैं अब मैं चल रहा हूँ। गाइस चल रहे हैं हम। तो गाइस अभी हम लोग चलते चलते दरगाह से बाहर निकल रहे हैं और तुम लोग को निकलते निकलते एक एंड व्यू दे देता हूँ दरगाह का। ये देखो तो गाइस अभी चलते हैं अभी हम तो ये है सही चम्मच उठा बहुत चल बनाया बदनी के जैसी नोक से धुआं निकल रहा है और ढक्कन कुड़कुड़ कुड़कुड़ ऐसे ढक्कन हिल रहा है तो उसने दिमाग लगाया कि इससे मैं इंजन ऐसे बनाने का तो उसने डीजल इंजन उसका कॉपी करके बनाया उसके उससे इंजन बनी जो इंजन फर्स्ट बना है कोयले का इंजन वो उसका उससे उसको आइडिया सी मिला थोड़ा जो डीजल है जिसने बनाया उसका नाम डीजल था उसने ये केमिकल ऐसा ऐसा डाल के डीजल बनाया इंजन को चालू करने के लिए तब वो सोचा इसको मैं क्या नाम दूँ क्या नाम दूँ क्या नाम दूँ तो उसने डीजल दिया खुद का नाम ही उसको दिया। और टेलीफोन में हेलो क्यों बोलते सब लोग पहला क्यों बोलते क्योंकि जिस आदमी ने टेलीफोन बनाया उसकी बीबी लफड़ा करके चले गई थी घर उसको बात करने का कोई उससे वो नहीं था कांटेक्ट नहीं था तो बोला यार मैं कैसे अपने बीबी से बात करूँ कैसे बात करूँ तो उसने एक टेलीफोन बनाया टेलीफोन बनाया तो उसने पहले उसकी बीबी का नाम था हेलो तो बोला हेलो सुनना सुनना आप आज के बाद नहीं करूँगा सॉरी 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 तो लोग क्या सोचे कि हेलो मतलब कुछ है लेकिन वो हेलो बीबी हेलो हेलो ऐसा मतलब अपनी बीबी को नाम लेके बुलाता था लोग सोचे कि हेलो हेलो मतलब बोलना चाहिए फोन में पहला हेलो बोलना चाहिए। हाय क्यों बोलते फिर तो हेलो बोलने लग गए सब। हाय क्यों बोलते हाय 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 बाय मतलब हाय बाय हाय वो तो हाय इन्वेंशन कैसा हुआ इसका इन्वेंशन अब वो मैं कल गूगल से चेक करूंगा या मैं अभी मेरी आधी किताब बाकी है पढ़ने का उसमें मिल जाएगा हाय वाला तो फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट छुट्टी में हाई और बाई हमारा नेक्स्ट छुट्टी में इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे लेकिन क्या है वो कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मैं पेज टर्न कर देता हूँ अच्छा। जैसे ट्रेन का ये जो जो इम्पोर्टेंट होता है वो पढ़ता हूँ। अच्छा वो बुक का नाम क्या है बुक का नाम बता देंगे तो सब लोग को पता चल जाएगा फिर हमारी क्या वैल्यू। अच्छा चना बड़ा चटपटा था इस पे पानी पीना लाजिम जरूरी है नहीं तो फिर किधर किधर से धुआं निकलेंगे। मेरा अब्बा कॉमेडियन वाली बात करते हैं अगले जन्म में कॉमेडियन थे पक्का। अभी हम लोग का खाना पीना हो गया वहाँ से निकल गए और अभी दूसरी एक जगह है
सामने यही जगह है छोटी सी, यहाँ पे आ रहे थोड़ा, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आना, मैं जब भी आता हूँ यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ अभी, जा रहा हूँ मीन्स, उसके बाद फिर उतरेंगे। मेरा फ़ोन अभी ऑलमोस्ट डेड है, 20-30% चार्ज बचा है, फिर स्विच ऑफ होने वाला है, देखो कितना क्या रिकॉर्ड हो पाता है। तो ये है वो जगह, थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ सुकून से, उसके बाद फिर चलेंगे। 50 रुपए में घोड़ा है, घोड़ा है, बाइक है, ऊंट है, सारा गढ़ किला है, और हम लोग को दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। बंदर भी है, और बंदर तो सब अटैक किया डर गए। और जो ये उतरने का रास्ता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब कच्चा सा, और जो चढ़ने का था एकदम पक्का सीढ़ी बना हुआ था, ये पत्थर पत्थर है पूरा। गले में पहनने से कोई जादू टोना असर नहीं करता है, साबित को सफर करते वक्त गले या जेब में रखने से कोई हादसा नहीं होता है। इसके अलावा हमारे पास हवलदिल पत्थर और तोहफा नूरी के ताबीज भी मिलते हैं, जिसके औलाद नहीं होती हो या सिर्फ लड़कियां होती हो तो लड़का होने। मजा आ रहा है, भी खींच दूंगा। जाने का सही सड़क रहा है, जाने का सही था, आने का बहुत खराब है ना, पूरा सड़क रहा है, इसलिए मैं ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, मालूम पड़े पैर स्लिप हूँ सीधा नीचे ही मिलूँ। फिर आदमी व्लॉग बनाएगी, हेलो गाइस मेरा भाई हॉस्पिटल में है, 12 टाके 3 फ्रैक्चर आए हैं, देखा कब तक ठीक होता है ये। तो अभी हम लोग थोड़ा करने का जूस वूस पिए, थोड़ा वार्म अप किए बॉडी, फ्रेश हुए थोड़ा सा, रेस्ट किए, काफ़ी देर से बैठे थे 20-25 मिनट से, हम लोग सुबह के 9:30 बजे से घर से निकले हैं, चल ही रहे हैं, पूरा चढ़े अब उतर रहे, और टाइम अभी हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो सोच सकते हो कितने घंटे से मैं पहाड़ चढ़ उतर रहा हूँ, मतलब शाम हो जाएगी उतरते उतरते। बाकी फ़ोन डाउन है अभी और रास्ता ही बहुत ख़राब है। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट उतर गए हैं, और हम लोग को टोटल 9:30 लेके अभी 4 बज गया, मैं समझ सकते हो 6-7 घंटा हो गया टोटल जाने आने में, थोड़ा देर वहाँ रुके सब मिला के, और अभी हम लोग बस 15-20 मिनट में नीचे पहुँच जाएंगे, उसके बाद होटल जाएंगे, घर पे आराम करेंगे। बहुत पैर दुख रहा है मेरा, मतलब हाजी मलंग से कम है बट डिफिकल्ट है। क्या चल रहा है? तो उस दिन तारागढ़ से आने के बाद रात में हम लोग वापस से दरगाह पे गए, बिकॉज उस दिन जो पहले दिन हम लोग दरगाह पे गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो कुछ भी अच्छे से देखने को नहीं मिला, तो रात के टाइम दरगाह बहुत खाली थी, और काफ़ी अच्छे से पूरी दरगाह घूमने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, कोई घाई नहीं, कोई धक्कम धुक्की नहीं, आराम से सुकून से हम लोग बहुत देर तक दरगाह पे बैठे थे। और यार वहाँ बैठे बैठे मैंने बहुत कुछ सोचा, और वहाँ बैठ के मेरे को समझ में आ गया कि हम लाइफ में किस चीज़ के पीछे परेशान हैं, और असली सुकून है क्या, वहाँ के लोग, वहाँ का नेचर, वहाँ पे कवाली चल रही थी, और इतना प्यारा रात में गुंबद दिख रहा था कि देख के मज़ा ही आ गया, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने का, बट बंद होने का टाइम हो गया तो हमें निकलना पड़ा वहाँ से। बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे बैठ के, और आई विश कि ये साल मेरे लिए अच्छा हो और मेरा करियर सेट हो जाए ये साल,
और काम तो चालू है, काम चल ही रहा है और मेंटल पीस मिल गया। ये दिन दरगाह पे बिताए हुए टाइम मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम था। और तारागढ़ से आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और हाथ पर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया, बट ये कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किया हूँ जो मेरे को लगता है तुम लोग को देख के भी अच्छा लगेगा। हर साल बस निकलते जा रहे, काम चलता जा रहा है, हर साल इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ करते जा रहा हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा है, व्यूज़ में कुछ बढ़ नहीं रहा है, कुछ सक्सेस के आसपास जरा भी पहुँच नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ यार, मैं अपनी वीडियो में कभी बोलता नहीं कि सपोर्ट करो ये वो, बट आज बोल रहा हूँ पहली बार कि प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करो कि जितने जिस लायक है मेरे वीडियो उस उतने तक तो पहुँचे कम से कम। मेरा अजमेर का रूटीन पता है क्या था? बस सुबह उठो ना, अपना कपड़ा चेंज करो, नहाओ, उसके बाद निकल जाओ, पूरा दिन वीडियो शूट करो, थक के आके रात में ब्लॉग को एडिट करो, और उसके बाद कैसे तैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी वहाँ पे, कैसे तैसे वीडियो अपलोड करो रात भर, उसके बाद सुबह पब्लिक करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन, बस नहाओ धो और फिर दिन भर शूट करो, रात में एडिट करो, बचे कुछ टाइम में खाना खा लो बस। तो यार बहुत एफर्ट से सारी चीज़ें बन रही है, मेरे तीन चैनल हैं, मेरे तीनों चैनल पे रेगुलर वीडियो आई है मेरी ट्रिप पे रहने के बाद भी। मैं अपने मेन रोस्टिंग वाले चैनल पे भी बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट वीडियो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के बहुत कुछ करके। तो यार सपोर्ट करो, और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है, बाय। चपाती कर रहे हैं।